से गुवाहाटी जा रही आनंद विहार कामाख्या नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस बुधवार की रात हादसे का शिकार हो गई। ट्रेन की 21 बोगिया पटरी से उतर गई। इस घटना में कुल 4 यात्रियों की मौत हुई, 100 से अधिक लोगों के घायल होने की सूचना है। इस हादसे की वजह से 8 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया, जबकि 22 से अधिक ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है। अब आपको बता दें कि कौन सी ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। जी हाँ, हादसे के कारण दानापुर बेंगलुरु ट्रेन 03247, दानापुर सिकंदराबाद 03225 और अजमेर भागलपुर 13424, जी हाँ पटना पुरी स्पेशल 03230, सासाराम आरा पैसेंजर 03620, आरा भभुआ रोड पैसेंजर 03617, पटना डीडीओ पैसेंजर 03203 और पटना बक्सर पैसेंजर 03375 ट्रेन को कैंसिल कर दिया गया है। कौन सी ट्रेनों का रूट बदला गया है? जी हाँ, राजधानी एक्सप्रेस 12309, संपूर्ण क्रांति 1239, आपको बता दें 12393, LTT एक्सप्रेस 15548, आपको बता दें LTT, दरभंगा एक्सप्रेस 15945, मगध एक्सप्रेस 20802, आपको बता दें इंदौर पटना 13193, इसको भी आपको बता दें रूट चेंज किया गया, कोटा पटना 13240। इसके साथ ही अन्य कई ट्रेनें हैं जिनका रूट बदल दिया गया है। तो आपको बता दें जो नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस हादसा हुआ है उसके बाद 8 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं। दिल्ली से गुवाहाटी जा रही आनंद विहार कामाख्या नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस बुधवार की रात हादसे का शिकार हो गई। आप सभी जानते हैं ट्रेन की 21 बोगियां पटरी से उतर गई थी, जो कि बहुत बड़ा हादसा हुआ। इस घटना में कुल 4 यात्रियों की मौत हुई थी, वहीं 100 से अधिक लोगों के घायल होने की सूचना भी मिली थी। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर UKG के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।